एक्सरसाइज 20.5 का पार्ट नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर में 0, वेयर पी इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर में 0। सबसे पहले हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बनाएंगे, स्क्वायर की साइड वाला नंबर ए की वैल्यू, एक्स की साइड वाला नंबर बी की वैल्यू, विदाउट एक्स वाला सी की वैल्यू। उसके फौरन बाद हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, माइनस की निशानी सेम रहेगी, बी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस क्यू, और ए की जगह पर क्या रखेंगे पी, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और क्यू अपॉन पी बनेगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपॉन ए। सी की जगह पर सी की वैल्यू रखेंगे आर, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखेंगे पी, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहे गए फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स का मतलब है कि अल्फा बराबर है 1 अपॉन अल्फा के और बीटा बराबर है 1 अपॉन बीटा के। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वेशन की फॉर्मेशन पता है कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर में 0, यानी जो जिस रूट्स के बारे में यहाँ पर बात हुई है उस रूट्स का हमें सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। तो सम का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन अल्फा, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन बीटा, प्लस माइनस में नीचे वालों का एलसीएम, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करें बीटा होगा, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा होगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो फाइंड की है क्यू अपॉन पी वो रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज आर अपॉन पी रखेंगे। एस बराबर में इसकी जगह पर क्या रखेंगे क्यू अपॉन पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पर रखेंगे आर अपॉन पी, पी पी से कैंसिल होगा, सम बराबर होगा क्यू अपॉन आर के। उसके बाद हमें इक्वेशन बनाने के लिए प्रोडक्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे 1 अपॉन अल्फा, बीटा की जगह पर क्या रखेंगे 1 अपॉन बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 होगा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा होगा, ये 1 सेम रहेगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे आर अपॉन पी, आर अपॉन पी को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा पी अपॉन आर, पी वन द पी होगा अपॉन में आर, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमें क्या मिला है क्यू अपॉन आर इंटू एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पर क्या रखेंगे पी अपॉन आर बराबर में 0, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, प्लस माइनस में नीचे वालों का एलसीएम, 1 आर, आर का एलसीएम हमें क्या मिलेगा आर मिलेगा, 1 की टेबल में आर आता है आर टाइम, आर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें आर एक्स स्क्वायर होगा, ये क्यू एक्स हो जाएगा, प्लस में पी बराबर में 0, आर डिवाइड कर रहा है शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन या जिसकी बात हुई है उस रूट्स की इक्वेशन है। एक्सरसाइज 20.5 का चौथा सवाल है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर में 0। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर में 0। प्रोसेस के साथ सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू बनाएं, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर की साइड वाला नंबर 1, और बी की वैल्यू एक्स की साइड वाला नंबर माइनस पी बगैर एक्स वाला, सी की वैल्यू बगैर एक्स वाला यहाँ पर है क्यू। तो उसके फौरन बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए,
ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू, माइनस की साइंस है, बी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस पी, ए की जगह पर वन, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा पी अपन वन पी हो जाएगा। उसके फौरन बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए, सी की जगह पर सी की वैल्यू रखेंगे क्यू और ए की जगह पर ए की वैल्यू वन, क्यू अपॉन वन तो क्यू होगा। उसके बाद हमें जो इक्वेशन बनानी है उस इक्वेशन का की फॉर्मेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर में ज़ीरो। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, यहाँ तक तो हमें हर सवाल में एक सॉल्व करना होगा इसका प्रोसेस से बाकायदा। उसके बाद हमें क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करना होगा। कंडीशन में ये है कि रूट्स क्या है, डबल है, यानी अल्फ़ा बराबर है टू अल्फ़ा के और बीटा बराबर है किसके, टू बीटा के। डबल का मतलब है किसी वैल्यू को, जिस हर वैल्यू को टू से डबल मल्टीप्लाई करें। हाफ के लिए क्या करते हैं टू से डिवाइड और डबल के लिए टू से मल्टीप्लाई, और रूट्स को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। अब हमें सम चाहिए, सम का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पर रखेंगे टू अल्फ़ा, बीटा की जगह पर रखेंगे टू बीटा जो कंडीशन के मुताबिक दिए हुए। इन दोनों में से टू को हम निकालेंगे कॉमन, अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा में से टू को कॉमन निकालें, बाकी बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे क्या है, पी। टू को पी से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, टू पी होगा। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए जिसका फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की जगह पर टू अल्फ़ा रखेंगे, बीटा की जगह पर टू बीटा रखेंगे। टू को टू से मल्टीप्लाई करें फोर, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बीटा होगा। फोर सेम रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे क्यू, फोर को क्यू से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, फोर क्यू होगा। अब इस इक्वेशन में सम की जगह पर सम ऑफ रूट्स 2p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 4q रखेंगे। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स हमें क्या मिला है 2p, x सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें क्या मिला है 4q बराबर में 0। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट्स। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, डबल ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, डबल ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस में टू स्क्वायर सी बराबर में ज़ीरो, यानी मिडिल टर्म को टू से मल्टीप्लाई करना होगा और लास्ट टर्म को टू के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। देखें सवाल, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर में ज़ीरो, मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, p को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2px होगा, और लास्ट टर्म को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 से q को मल्टीप्लाई करें क्या होगा 4q होगा बराबर में 0। देखें जो हमने इक्वेशन बनाई उस इक्वेशन जैसी हो गई। इसी तरह ट्रिपल ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस में 3bx प्लस में थ्री स्क्वायर सी बराबर में ज़ीरो। जब ट्रिपल करना हो तो मिडिल टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट टर्म को 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह अगर 4 टाइम्स की बात करें तो 4 से मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट टर्म को 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे।